आज मैं एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आज की रेसिपी चीज की रेसिपी है जिसे बनाने के लिए मैंने गाय के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इस चीज का इस्तेमाल आप चीज सैंडविच बनाने के लिए भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीगन चीज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आधा लीटर मूंगफली का दूध, जिसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 7 से 8 काजू, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 छोटा चम्मच नमक का, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सफेद तिल की पेस्ट, 1 चम्मच नींबू का रस और 1/2 कप पानी। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। अब हल्के सेक पर एक पैन को गरम कर लेंगे और ब्लेंडेड मिक्सचर को उसमें ट्रांसफर करके कुक कर लेंगे। शुरू में आपको लगेगा कि मिक्सचर में गुठलियां बन रही हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे मिक्सचर पकेगा गुठलियां भी चली जाएंगी। मिक्सचर को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे और बस चीज हो गया तैयार। अब इस चीज से आप चीज सैंडविच बनाइए, बहुत ही स्वाद बनते हैं। इस चीज का टेक्सचर और कलर गाय के दूध से बने चीज जैसा तो है ही, पर स्वाद में भी बिल्कुल बाजार में मिलने वाला चीज जैसा है। आपके घर पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बिना गाय के दूध से बना है। गाय के दूध से बने चीज के मुकाबले ये चीज ज्यादा हेल्दी है। इस चीज के कई फायदे हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को होने से बचाता है और यहाँ तक कि डिप्रेशन को भी कंट्रोल में करता है। यानी कि आपके और आपके परिवार के लिए एक परफेक्टली हेल्दी चीज। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए आप पीपल फार्म वीगन किचन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Ah.